स्लिप डिस्क एक मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है और इसे आज हम पूरी डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा स्पाइन होता है जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये गर्दन से स्टार्ट होता हुआ और हमारा नीचे टेल बोन तक होता है। इसके अंदर हमारे पास जो हड्डियाँ होती है वो इंडिविजुअल होती है, यानी इसको वर्टिब्रा बोलते हैं। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये गर्दन की जो सर्वाइकल हड्डियाँ होती है इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास। उसके बाद हमारा T1, T2, T3, T4 से लेके T12 तक आ जाता है, इसे बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रास। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वो हमारी रिब से अटैच होता है, यानी जो बीच वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये बीच वाला सेक्शन ये पसलियों से सपोर्टेड होता है, इसलिए यहाँ बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ का स्ट्रक्चर हिले। लेकिन हमारी गर्दन और हमारी कमर, यहाँ की जो हड्डियाँ और जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मसल्स पे टिका होता है, और जो भी मूवमेंट होता है या मसल्स की वीकनेस मान लीजिए या हमारा पोस्चर मान लीजिए, उसका इम्पेक्ट यहाँ और यहाँ सबसे ज़्यादा पड़ता है। ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो या तो सर्वाइकल या फिर कमर दर्द की प्रॉब्लम लेके आते हैं। इसमें हम समझ लेते हैं कि होता क्या है, कि ज़्यादातर आप इस तरह समझिए कि अगर मैं 10 लोगों को एक के ऊपर एक लिटा दूँ तो सबसे पहले जान किसकी निकलेगी। ओबियस सी बात है, जो सबसे नीचे है उसी पे प्रेशर ज़्यादा आएगा और सबसे पहले उसी का फैलाव ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो C5, C6 और C7 की जो वर्टिब्रा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है नेक का, इसलिए यहाँ से डिस्क निकलने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो हम नीचे कमर में देखते हैं वो हमारा L4, L5 या L5S1, यहीं सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, और यहीं की MRI में हम 90% यही देखते हैं कि उनको इसी जगह पे डिस्क बाहर आती है। किसी एक्सीडेंटल वजह से या कोई इन्फेक्शन वजह से हो सकता है ऊपर भी ऐसा हो जाए, बट 90% जो केस होते हैं उसमें हमें यहीं पर हमें जो छल्ले सरकने वाली प्रॉब्लम है वो होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से वो हमारी नर्व को कंप्रेस कर देता है। अगर वो गर्दन में हुआ है और गर्दन में कहीं कंप्रेशन डाल दिया नर्व का, तो आपके हाथ में झंझनाहट आना चालू हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो लोअर बैक में होता है यानी L4 L5 के आसपास और वो नस को दबाता है तो पैर में झंझनाहट चालू होता है। लेकिन हम फिजियोथेरेपी सेशन से, जिसमें हमारा ट्रैक्शन मैकेनिकली और अल्ट्रासोनिक जिससे सूजन वगैरह कम होती है और कुछ एक्सरसाइज, कुछ पोस्चरल गाइडेंस, ये हम पेशेंट को बताते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम के लगभग सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनका पोस्चर कैसा है, उनकी इंजरी कितनी ज़्यादा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उस हिसाब से उनको टाइम थोड़ा सा, किसी को जल्दी किसी को थोड़ा सा लेट मिल जाता है।